मेरा नाम फजल है और आज अजीबों की बातों में हमारे साथ सादल्ला वाला भाई मौजूद हैं। हाँ जी, कैसे हैं साद भाई? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? तो माशाल्लाह साद भाई का तो इंट्रो कराना बहुत ही आसान, माशाल्लाह सबसे आसान काम होगा, क्योंकि अब मैं उनकी तारीफें बताना शुरू करूँगा तो ये तो पॉडकास्ट ही ख़त्म हो जाएगी। तो अभी लेटेस्ट अचीवमेंट जो है वो स्टार्टअप ग्राइंड के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा साद भाई टॉप नॉच चल रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आज साद भाई से मुख्तलिफ सवाल करना चाहूँगा। और एक बात है जो मैंने साद भाई की देखी है कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कैसे कैसे उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मगर आप क्यों करते हो? मुझे लगता है क्यों करते हैं तो मैं तो नहीं, मुझे तो लगता मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ, मैं तो नहीं करता। चलें, अब वो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए मैं अपना एक रिवायती सवाल साद भाई, एक मेरा सवाल ये होता है कि अगर आपको मौका मिले, ठीक है, मैं हूँ फिल्म डायरेक्टर, मैं आपके पास आया कि हमें एक फिल्म बनानी है, ठीक है, तो आप किसी भी बंदे पे या किसी भी टॉपिक पे फिल्म बना सकते हैं, सो व्हाट वुड बी द थीम ऑफ इट जो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके? सोसाइटी को किस तरह, किसी भी तरह इम्प्रूव करें, किसी भी तरीके से? तो हमारी सोसाइटी में एक जो उस दिन बात हो रही थी, एक चीज़ जो काफ़ी लैक करती है वो है कि हमारे जो लोकल रोल मॉडल्स हैं, लोकल जो लीडर्स हैं, उनको कोई प्रमोट नहीं करता। जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी मलिक रियाज पर, तो वो भी बीच में गायब हो गई। तो उसी तरह के जी जो सफायर ग्रुप है या गोरमे वाले हैं या मलिक रियाज हैं, इस तरह के जो लोग हैं, IBL ग्रुप है, जिस किस तरह इंटरनेट आया पाकिस्तान में, इन चीज़ों को प्रमोट होना चाहिए और इन कहानियों पे मूवीज़ बननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ इंटरनेट। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करें। पाकिस्तान में 120 मिलियन अगर इंटरनेट यूज़र्स हैं तो उन लोगों को किस तरह फ़ोन पहुँचे, इसको कोई हाईलाइट करे, या ऐसी मूवीज़ बने कि अवेयरनेस जिसमें हो कि जी फजल कहने लगा कि अगर आप अवेयरनेस मूवी बनाएंगे वो तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। अगर कराची से लाहौर जिस तरह मस्के वाली मूवी है कॉन्टो ने स्पॉन्सर कर दी, उसी तरह आप एक अलग बना लें जो दराज स्पॉन्सर कर दे कि जिस दराज का 0% पेमेंट प्लान पे आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, तो या अल्फला की वेबसाइट से मिल जाता है, बैंक अल्फला की, तो आप उस पर जाएँ, अकाउंट खोलें और अभी लें। तो अगर उसी तरह जैसे कॉर्नेटो खा रहा होता है रांची से लाहौर में, बहुत हर बात पे कॉर्नेटो, तो हर बात पे अगर स्मार्टफोन दिख रहा हो, ठीक है, हर जगह IoT का इस्तेमाल, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल, हर जगह व्हाट्सएप पे पेमेंट हो रही है, व्हाट्सएप पे सब कुछ हो रहा है, व्हाट्सएप पेमेंट रोल आउट करनी है अगर उनको, तो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे। इस तरह की स्पॉन्सरशिप पकड़ के आराम से मूवी बन सकती है। तो ये भी नहीं है कि जी आप अगर प्रोड्यूसर हैं तो आप कहीं यार स्पॉन्सर कहाँ से आएगा, वो इन लोगों से इतना मस्का लगा गए उनकी प्रमोशन करके यूट्यूब से पैसे लेके इन सब से हो सकता है। तो आपने कहा कि किसके बारे में मूवी बननी चाहिए, वो अवेयरनेस वीडियोज होनी चाहिए कि एक तो अब पहले हम कहते थे कि जी इंटरनेट यूज़र ज़्यादा होने चाहिए और हमारी सर्विसेज बिक जाएंगी। अब इंटरनेट यूज़र आ गए मगर उनको सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? अभी तक कोई भी नहीं कर रहा सही से। मतलब क्या है सर्विस प्रोवाइड करने का? आप फ़ोन पे अभी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? YouTube, Facebook, इसी तरीके से सोशल नेटवर्क्स। बिल्कुल, तो अब लेकिन फ़ोन पे क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? पेमेंट्स, अब जैसे Dukaan.pk है, वो जो करियाना स्टोर है, जो हमारा लोकल टक स्टोर है, उनको सामान देने के लिए, उनको सप्लाई करने के लिए एक वो पोर्टल बना है, तो वो उस पर से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे होलसेल में, तो उसने मेट्रो को उड़ा दिया, ठीक है। या उसने जो बाहर सैम्स क्लब है या कॉस्को होता है उसको उड़ा दिया कि जी अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, होल सेल में खरीदेगा ही नहीं उनसे डायरेक्टली स्टोर से, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आपने पूरी सदर की मार्केट बंद कर दी, सदर की मार्केट आपने बंद कर दी कि जी अब मसाले की मार्केट ख़त्म, और ये और 5 साल में हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी वो लोग उन्हीं मार्केट से ख़रीदते हैं लेकिन बाद में फिर सोर्स पहुँच जाएंगे। तो अगेन तो मिडिल मैन इस तरह मर रहे हैं, तो अब मिडिल मैन के पोर्टल बनने चाहिए, जिस तरह Dukaan.pk बना है उस तरह के मिडिल मैन पोर्टल बने कि जी अब गाँव वाला किस तरह इसको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, उसकी एक ऐप हो या ऐप ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हो, अब तो क्यों आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकते, और जिसके ऊपर वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि जी अब यहाँ पे माल तैयार हो गया वहाँ पे ले लें, तो जो मिडिल मैन है वो वहीं से जनरेट हो ना। कराची का क्यों जाता है बंदा बकरे ख़रीदने होते हैं ईद पे, तो अभी व्हाट्सएप पे मार्केट क्यों नहीं बन सकती कि जी बकरे जो बाबू खान पठान में बैठा है वो उसी पे अपने बकरे ऐड टू कार्ट किया हमने यहाँ पे, बकरा यहाँ पे डिलीवर हो गया,
वहीं से चले जाए, बनिस्बत के जी हम यहाँ से बैठ के सोचें यार वहाँ पे, यहाँ पे 20,000 का मिल रहा है, वहाँ पे मैं 10,000 का खरीद के ला सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ख्वार होना पड़ेगा, मैं यहीं से बैठूँ बाबू खान पठान में, रिटेलर बैठा है वो उसी पर जाएगा, क्लिक करेगा और वो बेच देगा, मैं यहाँ से ख़रीद लूँगा, बीच में 5,000 में मिडिल मैन जो है वो बन गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बी टू बी पे फोकस करें, बी टू बी, बी टू सी और बी टू बी जो हम फोकस करें, कि जो हमारी जैसे अभी मैं ट्वीट देख रहा था कि पाकिस्तान ने इस साल आज तक की सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करी है। अच्छा, रिकॉर्डेड लाइक आज तक पूरे टाइम में अपनी मतलब हिस्ट्री में, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस नहीं पहले से, अच्छा इंडिपेंडेंस वो पॉपुलेशन में तो पहले कम थी ना। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं दिखाऊंगी, बट वो फवाद चौधरी ने प्रमोट किया। तो अब इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तब उनको हम अपने पास, हमारे अब हमारे पास क्यों वीट सस्ता नहीं हो, अगर वहाँ पे इतना प्रोड्यूस हुआ सस्ता है, यहाँ पे हमारे पास अभी और महंगा क्यों हो रहा है? तो जो मिडिल मैन पोर्टल हैं अगर वो लोग उसी तरह दराज पर बेचना शुरू कर देंगे तो फ़ायदा होगा। तो उसकी अवेयरनेस की मूवीज़ होनी चाहिए, उस तरह की, इस तरह की चीज़ें उन मूवीज़ में हाईलाइट होनी चाहिए, और मूवी की सीरीज़ होनी चाहिए ना। अब 5-5 मिनट की अगर वाट, अभी तुम क्यों बन रही बना रहे हो पाँच, तुमने कहा 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी बात हो जाएगी, तो फिर व्यूअर की भी तो बात हो जाती है 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट की अगर मजाया वीडियो हो जिसमें हमने सिखा दिया कि जी ऑनलाइन बेचते कैसे हैं, मजाया वीडियो है जिसमें हमने सिखा दिया कि जी बी टू बी कैसे बेचा जा सकता है, कि जी उसने एक कॉन्सेप्ट को ट्रिगर कर दिया गांव वाले के दिमाग में यार। जैसे आज मैं आ रहा था, बाहर नहीं है लड़का जुनैद, जुनैद से मिले, जुनैद आज आया वापसी गाँव से, ठीक है, वहाँ पर न्यू चाली में मुझे मिल गया, मैं अपने साथ वापसी रहा, गाड़ी में बैठती, मैंने पूछा तुम आज तक बड़े सुपर मार्केट गए, बड़े सुपर स्टोर गए? क्या नहीं, मैं क्यों, क्या रास्ते कोई लेके नहीं है? अच्छा चलो, तो मैं उसको सबसे महंगे वाले ले गया स्प्रिंग्स। अच्छा, मैंने कहा आओ, सबसे पहली चीज़ मैंने उससे दिखाई कि तुम चाय कितने की पीते हो, उसने कहा 25 रुपये, 40 रुपये, मैंने कहा ये लो 2,500 रुपये की चाय। उसकी वहीं पर हवा ख़राब हो गई कि जी 2,500 रुपये अगर मेरी 1/4 इनकम उसमें जा रही है चाय में, मैं तो ख़त्म हो गया, उसमें से 25 टी बैग थी। अच्छा, अगली चीज़ मैंने उसे दिखाई, मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे गांव में मिर्ची कितनी की थी, उसने कहा 80 रुपये किलो, मैंने कहा 100 ग्राम अगर 1,000 ग्राम होता तो 100 ग्राम 8 रुपये का हुआ, ये लो पैकेट, उसने कहा मैंने कहा पढ़ो कितने का, 540 रुपये। ओई, जिंदा है नहीं वो? जिंदा है, ठीक है। अगली चीज़ मैंने उसे दिखाई गाजर, मैंने कहा पढ़ो कितने की, 940 रुपये आधा किलो गाजर। क्या फ़र्क था? मैंने कहा तुम अभी गाजर उगा तो 2 महीने उगती है, ये गाजर है 1 हफ्ते की। रिसोर्स भी कम लगे, टाइम भी कम लगा, पानी भी कम लगा, खुआरी भी कम हुई, उसको पैकेज करके भेज दिया सर, वो भी एक्स्ट्रा प्राइस मतलब ज़्यादा। अभी गाजर कितने के सीज़न में मिलती है? 30-40 रुपये किलो, हम लोग गाजर भत्ता बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, चीनी ज़्यादा महंगी होती है गाजर से, हर चीज़ में गाजर। हाँ, तो हमारे यहाँ जो, मैंने उससे कहा कि तुम अगर ये वाली बीज नहीं दूसरी वाली बीज ले लो और उससे ये मिर्ची उगाओगे तो तुम्हारी भी इतनी महंगी हो जाएगी। फिर मैंने उससे पूछा कि आज ही की बात है ना ये, मैंने उससे पूछा अगर तुम ये वाली मिर्ची बेचोगे तो तुम्हें कोई गुनाह मिलेगा? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अभी तुम्हारे गाँव अभी 1 एकड़ अगर 1,00,000 रुपये आते हैं तो इसके बाद क्या आएंगे? उसने कहा 1,00,000 रुपये। मैंने कहा अब देखो तुम समझदार हो तो अगर हम अभी हम लोग गरीब हैं, अगर मैं भी गरीब हूँ तुम भी गरीब हो तो क्यों है? कहा हमारी गलती है। मैंने कहा अब हम इसको सोचें कि जी हमारी गलती है और हम बैठ जाएं, या हम समझें कि हमारी गलती है हम किस तरह इम्प्रूव करें? उसे कहा हाँ। मैंने कहा यूट्यूब है? उसे कहा हाँ यूट्यूब पर सीखूंगा मैं। मैंने कहा हाँ चलो, लग गया वो लाइन पर। उसको सवाल करने, उसने सोच लिया ना यार ये भी हो सकता है, एंड में बताओ मैंने उसको क्या लालच दिया। मैंने कहा देखो बाहर तुम जूस खरीदते हो 30 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 26 रुपये का मिलता है, जबकि ये एसी वाली दुकान है, बड़ी दुकान है, और देखो कितनी तमीज़ से तुम्हारे सामान तुम्हें हाथ में दे रहा है। अब उसको लालच आ गया, अब वो उस दुकान जाएगा, अब वो देखेगा कि तकिया 5,000 रुपये का रखा हुआ है, वो कहेगा यार मैं भी क्यों नहीं खरीद सकता, फिर वो खरीदेगा। तो अवेयरनेस आनी चाहिए कि जी, कल तुम्हारे नाना से बात हो रही थी गाड़ी कि उन्होंने कहा पहले ये कॉन्सेप्ट था, उन्होंने खुद ही कहा कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा मैं फारिग नहीं बैठ सकता, मैं संडे को भी आऊँगा नहीं रात में भी आऊँगा, मैं कहूँ मैं कुछ कर लूँ तो मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। मैंने कहा आज के दौर में आपको क्या लगता है किस तरह पैसे ज़्यादा कमाएंगे? उन्होंने कहा स्मार्ट तरीके से। मैंने कहा स्मार्ट तरीका क्या होता है? उन्होंने कहा जो
उन्होंने मुझसे एक्चुअली पूछा, तो मैंने कहा जो कम मेहनत ज़्यादा आउटकम ला सके, ठीक है, या मेहनत उतनी होती है हर चीज़ में, या तो आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो या हाथ ज़्यादा लगा रहे हो या आँखें ज़्यादा लगा रहे हो, तो कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि दिहाड़ी वाला बंदा भी 12 घंटे काम करता है ना, हम लोग तो नहीं होती, लेकिन हम किसी और चीज़ में करके ज़्यादा पैसे कैसे कमा लेते, कोई वजह है? तो आप स्मार्ट तरीके में जाएँ बनिस्बत कि आप हार्ड डम तो नहीं करना चाहिए लेकिन डम तरीके में जाएँ। तो इस तरह की अगर अवेयरनेस वीडियोज़ होंगी तो 5-5 मिनट की, जिसमें आप सिर्फ उनको सवाल करने के लिए ट्रिगर कर दें उनका दिमाग को, जी मैं क्यों नहीं कर सकता, आप उनको दिखा दें कि जी एक पाकिस्तानी ने भी किया हुआ है, जब उनको ये दिखेगा ना कि एक पाकिस्तानी अभी समझते हैं ये यार, अभी आपको किसी गांव वाले को गोरा दिखा दो वो खुदा बन जाता है उसके लिए, नॉट लिटरली उसको पूजा नहीं करते मगर वो एक तरह से खुदा वाला कॉन्सेप्ट है कि ये तो है अच्छा है, इसी के लिए सब कुछ अच्छा है। अगर आप उसको दिखा दें कि जी अमरीका में भी होमलेस गोरे होमलेस होते हैं, वो तो मर जाएगा भाई, मर तो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता वो, हो ही नहीं सकता। तो अब क्योंकि हॉलीवुड ने ये कर लिया तो एक माइंडसेट बना लिया, तो अभी हमें माइंडसेट ये चेंज करना है कि मलिक रियाज जो गरीब था जिसको अपनी बेटी के लिए ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, आज वो एक बिलियनर है, बिलियन डॉलर नॉट बिलियन है, हमारे को बिलियनर हो गया अरबपति जी। तो अच्छा, तो ये वजह है जो आप इतना ज़्यादा बिजनेस फैमिलीज को करना चाह रहे हैं प्रमोट? हाँ, तो ये इनकी स्टोरीज ऊपर आएँ, इनकी स्टोरीज ऊपर आएँ और हम एक आम बंदे को सवाल करने के लिए मजबूर कर दें कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं, अब ये है कि क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी है, अब अवेयरनेस है, अब नॉलेज है, अब नॉलेज को अवेल करने के लिए हमें अवेयरनेस बनानी है कि यूट्यूब में सब कोर्सेज हैं, यूट्यूब में सब कोर्सेज हैं, अरबपति कैसे बनना यूट्यूब से खाता है। अब ये बंदे को सिखाना कि जी अरबपति आप बन सकते हैं यूट्यूब के जरिए, वो अलग है ना। तब देखो जो मैंने जनरेट को ट्रिगर आ गया, वो यूट्यूब पर देखेगा, आज नहीं तो कल देख लेगा, आगे बताएगा 5 सालों में बताएगा कि यार देखो मैंने, अच्छा एंड में मैंने उसको नूडल दे दिए, नूडल खरीद कर दिए, उसने आज नूडल खाया था, अच्छा तब वो नूडल खाएगा, सोचेगा 7 बजे दिलाएं, अब वो 7 बजे थोड़ी बाद में मान लेगा। इस बात पे मैं कहते उससे भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा और जी और सवाल? हाँ, तो साथ में मैंने देखा आपकी एक बहुत गहरी नज़र है, जिस तरीके से अभी आपने ऐप्स के बारे में बात की कि उनको प्रमोट करना चाहिए, तो हम तो बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं कि आए दिन नई ऐप बन रही हैं, स्टार्टअप्स कुछ नया आइडिया ला रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, तो ये इतनी सारी जो ऐप्स बन रही हैं 500 करोड़, तो ये इतनी यूटिलाइज क्यों नहीं हो रही या इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? जितनी सारी ऐप्स बन रही हैं इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? हर एक बना रहा है, पाकिस्तान में तथा सुन रहे हैं भाई इस यूनिवर्सिटी में ये भी बनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे। एक जरिया, एक रास्ता, एक वजह ये भी हो सकती है कि अगेन अमेरिका में भी यही होता है, ठीक कितने है, कितने स्टार्टअप्स फंड होते हैं, कितने ब्रेक इवन कर जाते हैं, मगर हमें किसका पता है, हमें तो सिर्फ टॉप का पता है, यहाँ भी टॉप है वहाँ भी टॉप है। तो अगेन क्या कहते हैं कि सोना पता नहीं हीरे के नहीं, कहते हैं ना कि जितना कोयला होता है इतना सही रंग निकलता है, बिल्कुल, तो इतनों लेकिन इतने को खोदना पड़ता है ना कि एक हल्का सा हीरा निकल जाए। तो लेकिन देखो अगर हम देखें तो ट्रेलो भी बना पाकिस्तान में, ट्रेलो का नाम पता नहीं, ट्रेलो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तानी मैसेजिंग सर्विस है, व्हाट्सएप की तरह, लाइन वी चैट की तरह, उस पर तुम न्यूज़ भी देख सकते हो, उस पर चैट भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और फंडर है, लेकिन अब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? दराज है वो चल गया, बाइक किया है वो चल गया, नहीं जैसे कि यही ग्रोसरी की चीज़ें, अब एयर लिफ्ट एक्सप्रेस का मुझे पता है मगर इस तरह की 500 और ऐप्स मेरे कुछ जानने वाले मेरे दोस्तों ने बनाई मगर मुझे उन वो नहीं एंड तक नहीं लेके जाते ना। असल में हम लोग समझते हैं कि हम सब जानते हैं और कभी कभार मैं भी सोच जाता हूँ, कभी कभार हर एक सोचता है एक टाइम तक, लेकिन जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तो कभी पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जी हर एक सक्सेसफुल हो। तो मेरा ख्याल ये है कि जी नीशेस पे जाना चाहिए कि अगर कोई मैसेजिंग सर्विस है ना, तो अगर सिर्फ मैसेजिंग सर्विस टेलो अगर है, टेलो एक्सट्रीमली व्हाट्सएप से भी बेसिक बना लिया सॉफ्टवेयर, ठीक, वो हर गांव वालों को जाकर सिखा दे कि जी आप इससे कर सकते हो, जस्ट एन आइडिया, तो उनकी मार्केट बहुत आराम से कैप्चर हो सकती है, क्योंकि उनको आप बताओ अभी उनको देखो लाइकी, वो लाइकी चलाते हैं, हम तो जानते भी नहीं लाइकी होता क्या है, लेकिन वो लोग चलाते हैं, लाइकी जैसे कितने सारे हैं
सलमान ने पता नहीं किसके ऊपर बनाई थी वीडियो। हाँ। लेकिन आपको तो नहीं पता वो क्या सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ टिकटॉक का पता है। क्यों? वो जो हमारे, वो हमारे बंदों को कैटर करता है। हम हमारे सॉफ्टवेयर आज तक हम उस टॉप 2% को कैटर कर रहे हैं, 98% को करिए ना। बनीर के अंदर दराज क्यों नहीं है? दराज की कोई, दराज की कॉपी बनीर में क्यों नहीं है? बनीर कहाँ है? एग्जैक्टली बनीर केपी में है, वहाँ मिलियन लोग रहते हैं। लेकिन एक मिलियन लोग की मजाक तो नहीं है ना, 10 लाख लोग। तो कराची में 30 मिलियन है, यस, लेकिन कराची की 30 मिलियन को भी कोई कैटर नहीं करता। अगर एक कोई सर्विस सिर्फ स्पेशलाइज हो कि जी मच्छर कॉलोनी के अंदर ही, क्योंकि 1 मिलियन लोग रहते हैं मच्छर कॉलोनी में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 1 मिलियन लोग रहते हैं। मच्छरों की तरह नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, इसको बीप कर, इसको बीप कर दिया। मगर इसी तरह के उनको भी कैटर करें, उनके लिए कोई नीश हो कि जो स्पेसिफाइड मच्छर कॉलोनी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है या कुछ है। कराची से बाहर निकले, बाबू खान पठान में क्यों नहीं है कोई? मटियारी डिस्ट्रिक्ट में क्यों क्यों नहीं करता? तो शहीद बने नजीराबाद में इतना कुछ है, इतने पैसे हैं, नहीं करप्शन है तो पैसा है ना, सारा पैसा वहीं पर पाक होता है। तो लेकिन वहाँ पर, वहाँ पर क्यों वावा कार्स की दुकान नहीं है? वहाँ पर क्यों सुधार की नहीं है? उन्होंने क्या गलती करी है? ट्रैक्टर के लिए सर्विस होनी चाहिए, ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स। एग्रीकल्चर में कितना प्रॉब्लम है, बहुत बहुत है। जैसे अभी मुझे अगर एक्सकेवेशन करानी हो ज़मीन पे, मैं ख्वार हो गया हूँ, अभी तक नहीं हो पाई। अच्छा, 2 महीने हो गए। लेकिन अगर मेरे पास ऊबर जैसी ऐप हो, कह देगी जी आपकी ज़मीन तक आने में इतने कोटेशन लगे और इतने घंटे के लिए काम हुआ, हर घंटे के लिए हम इतने चार्ज कर लेंगे, बस सिंपल एज दैट। अभी इतने, अभी यही होता है कि जी एक बंदा होता है, उसके 3 ट्रैक्टर होते हैं, वो ट्रैक्टर उसके राइडर रखता है, सॉरी ड्राइवर रखता है, और ड्राइवर जाके ज़मीन पे चलाता है, लेकिन उसको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। अगर हम ऐप बना दें तो अभी ये है कि जी कहीं 1200 रुपये है, कहीं 800 रुपये, अच्छा इतना डिफरेंस है, 1.5 गुना का, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो एक रिकमेंडेशन तो बहुत अच्छी है कि फोकस द नीश, फोकस द नीश। सो बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, आज आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ख़त्म, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको, देखने वालों को, और इंशाल्लाह साथ भाई को आगे भी तंग करते रहेंगे, और इसी तरीके से कोई भी सवाल हो तो फिर कमेंट्स में डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।